हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे हर रोज़ की तरह। उसके पहले बोल दूँ, ये मेरा पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग के नंबर है। जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो वो लोग मुझे इस नंबर पर पिंग कर सकते हो। 111 में कोई एक क्वेश्चन का आंसर मैं इस मंथ में दे रही हूँ, तो जिनको भी चाहिए वो लोग पिंग कर सकते हो। अदरवाइज बड़ा रीडिंग के लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगे इस नंबर पर। ओके, तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव है, जनरल है, तो जब भी जिसके सामने आएगा वो देख सकते हैं। और जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसकी एनर्जी को पिक करेगा रीडिंग। और कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हो। और सिंगल मैरिड एंड अनमैरिड डिवोर्स वीडियो सबके लिए रीडिंग ओपन है। सारे रिलीजन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। प्लीज एंजल गाइड मी, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, क्या चेंजेस इंप्रूवमेंट आ रहा है। द मैजिशियन, तो आप लोगों का विश फुलफिलमेंट होने वाला है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाले हैं। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इसलिए आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। रियूनियन होने वाला है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। टू मोर कार्स एंजल, टू मोर कार्स एंजल। तो माँ काली और महादेव यहाँ पर आ गए हैं गाइस, विद द महामाया, विद द डेविल, सॉरी विद द यमा। तो कुछ साइकिल आपके लाइफ से एंड होने वाला है, अगर कोई कार्मिक साइकिल है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, अगर किसी के मदर और फादर जो है आप दोनों के बीच में आ रहा था, फैमिली बीच में आ रहा था, वो सिचुएशन एंड हो सकता है। विद द वर्ल्ड कार्ड, तो कोई ना कोई साइकिल यहाँ पर एंड होगा, जो भी कार्मिक साइकिल है वो एंड होगा। ठीक है, विद द टावर कार्ड, ओ माई गॉड, एनर्जी आप देख रहे हो। विद द जस्टिस, एक के बाद एक, मतलब जो कार्ड्स हैं एक से एक के साथ दूसरा जो है रिलेट है। तो जो भी उनका कर्मा बैगेजेस है, जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ में, वो सिचुएशन एंड होगा, जो भी कार्मिक सिचुएशन है। टावर विद द डेथ कार्ड, ओके, तो कर्मा एंडिंग्स के कार्ड है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो न्यू मून की एनर्जी है, तो कोई ना कोई साइकिल तो ज़रूर एंड होगा। और आप लोगों का विश फुलफिलमेंट होगा, हारमोनी आएगा, कम्प्लीशन आएगा आपके रिश्ते में, रीयूनियन होगा आप लोगों का। ओके, तो आप दोनों जो है एक दूसरे से मैरिड हो सकते हो गाइस, जैसे कि हमारे शिव और पार्वती के जैसा। ठीक है, तो महादेव और माँ काली जी के जैसा आप लोग जो है, कोई कोई यहाँ पर मैरिड कपल हो सकते हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो, कुछ भी। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो सब लोग जो है जैसे जैसे आप मानते हो वैसा ब्लेसिंग्स ले लेना गॉड से। ओके, तो ये दो कार्ड्स को मैं ऊपर रख रही हूँ विद द हमारे लवर्स। तो जो लोग अनमैरिड हो तो उनके लिए तो लवर्स कार्ड आ चुके हैं। आप लोग का रियूनियन होने वाला है, आपके पर्सन वापस आने वाले हैं। और जो लोग मैरिड हो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होगा, एक साइकिल एंड होगा, जैसे कि आपने मैनिफेस्ट किया है। और नीचे से देखिए ये सारे कार्ड्स, टावर विद द कर्मा विद द डेथ। तो जो भी कार्मिक एनर्जी है आपके पर्सन के लाइफ में, वो सिचुएशन यहाँ पर एंड होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए जस्टिस आने वाला है, आपका जो विश है वो फुलफिल होगा आने वाले टाइम में। तो चलिए देखते हैं, कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। तो आने वाला एक दिन आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाला है, क्योंकि कर्मा एंडिंग्स के फिर से 8 आ गए हैं नंबर। तो माय गॉड, फिर से 8, मूव ऑन करेंगे कुछ सिचुएशन में।
तो कर्मा पिक पे रहने वाला है। 8 जो है शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी सैटर्न का है। तो गाइस कर्मा को लेके कोई मेजर डिसीजन मेजर एक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, कोई ना कोई सिचुएशन तो यहाँ पर एंड होगा। टावर के साथ डेथ कार्ड आया है तो बहुत ही हैवी एनर्जी है और न्यू मून काल है, कैलेंडर में काल दिया हुआ है तो काल ही है न्यू मून। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। प्लीज संजय क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्लैरिफाई द स्प्रेड फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई द स्प्रेड फ्रॉम दिस डेक कि ये सारे एनर्जी क्यों आया है। द एम्परर क्यों आया है, हमारे महादेव देखिए कार सब देखिए क्यों आया है एम्परर। तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है गाइस, बॉटम से फुल न्यू बिगिनिंग। तो आपके साथ आपके पर्सन का रियूनियन होने वाला है गाइस और महादेव की ब्लेसिंग से आप लोगों का पर्सन आपके तरफ वापस आएंगे, यूनाइट होंगे और केयर फ्री होकर आपके तरफ एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे और न्यू बिगिनिंग होगा, क्लैरिटी देंगे वो आपको। ओके दी एम्प्रेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर, जस्टिस होगा जस्टिस, देखिए यहाँ से जस्टिस कार्ड है ऑलरेडी और यहाँ पर देखिए जस्टिस बैलेंस होगा। माँ काली ने आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करेंगे, यहाँ पर सोर्स देखिए तो सोर्स लेके बैठे हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करेंगे और कंप्लीशन लेके आएंगे आपके रिश्ते में, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कोई दो सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में, दो दो क्वीन है तो डर रहे आपके पर्सन, इमोशनल है लेकिन चूज आपको ही करेंगे और कंप्लीशन आपके साथ ही आएगा, सिचुएशन बैलेंस होगा। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो माँ काली ने जो है वो ऑब्स्टिकल्स को उस डर को हटाएंगे आपके लाइफ से और आपके लाइफ में जो है फर्टिलिटी लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे, न्यू बिगनिंग लेके आएंगे। ठीक है तो ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हारमोनी क्यों आया है एंजल, देखिए एट ऑफ वैंस आने वाला है, सॉरी कॉल आने वाला है आपकी तरफ और किंग ऑफ वैंस भी आ चुके हैं, वहाँ पर क्वीन ऑफ वैंस था, यहाँ पर किंग ऑफ वैंस भी आ चुके हैं। आपके पर्सन आपके तरफ पैशनेट है, बोल्ट्री आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं और वापस आना चाह रहे हैं, आपको कोई सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पर्सन। विद द लवर्स कार्ड तो रियूनियन होने वाला है आप लोगों का, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में हारमोनी आने वाला है और बैलेंस होने वाला है, बातचीत होने वाला है आप लोगों का। ओके तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो जो लोग लवर्स हो उनका तो बातचीत होगा ही होगा और जो लोग मैरिड हो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा। ओके तो लवर्स भी क्लैरिफाई हो चुके हैं। दी मैजिशियन क्यों आया है एंजल यहाँ पर, दी मैजिशियन क्यों आया है, आप लोग न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमोशनल हो आपके पर्सन के लिए, हैप्पी फैमिली चाहते हो आपके पर्सन के साथ और आपके पर्सन भी प्रिपरेशन ले चुके हैं आपके तरफ आने के लिए। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर भी आपके पर्सन हैंग थे, जहाँ पर भी आपके पर्सन हैंग थे, अटके हुए थे, जो भी उन आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा था, उस सिचुएशन से बाहर आएंगे, स्टैंड लेंगे, काट ऑफ करेंगे उस सिचुएशन को और आपके साथ कंप्लीशन आएगा, इमोशनल है आपके तरफ, न्यू बिगिनिंग होगा। ओके तो यही मैनिफेस्टेशन यही विशेष आपका फुलफिल होगा। दी वर्ल्ड क्यों आया है, महामाया की एनर्जी क्यों आए हैं एंजल यहाँ पर, महामाया की एनर्जी क्यों आए हैं एंजल यहाँ पर, देखिए दी वर्ल्ड कार्ड आया है तो कोई एंडिंग्स को दिखाता है यहाँ पर, कंप्लीशन को दिखाता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एंडिंग्स होगा और क्या एंडिंग्स होगा। देखिए जो भी डेविलिश एनर्जी है आपके रिश्ते में, जिसके साथ आपके पर्सन का फाइट हो रहा है, अगर किसी किसी के लाइफ में पेंटिकल कोई कार्मिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर पेंटिकल का बहुत घमंड था आपके पर्सन को, इमेजेस का घमंड था, तो ये वो सिचुएशन एंड होगा और आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा, न्यू बिगिनिंग होगा। जहाँ पर भी स्टक थे आपके पर्सन वो सिचुएशन एंड होगा। ओके तो वो सिचुएशन एंड होगा, वो स्टक सिचुएशन एंड होगा, डेविल एनर्जी एंड होगा,
जहाँ पर फाइट हो रहा है वो सिचुएशन एंड होगा और आपके साथ जो है न्यू बिगिनिंग होगा, आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करेंगे और सिचुएशन को जो है बैलेंस करेंगे। ओके, तो ये महामाया को क्लैरिफाई किया है कि एक सिचुएशन एंड होगा और दूसरा सिचुएशन जो है स्टार्ट होगा आपके साथ। तो इस हैवी एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं एक एक करके। टावर क्यों आए हैं एंजल, कहाँ पर टावर आएगा? देखिए थर्ड पार्टी निकल कर आ गए हैं। तो जो भी आपके पर्सन को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा था या फिर आपके पर्सन आपको चाहते थे, इमोशनल थे लेकिन डर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन था जिनके वजह से आपके पर्सन डर रहे थे एक्शन लेने में आपके तरफ। आपको प्यार तो करते हैं लेकिन इमोशन को छुपाते थे, स्टक करके रखते थे, आते नहीं थे, आपका राह तकते थे। ओके, और इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जो है आने के डिसीजन वो लेंगे। उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी था, दी हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड, जो भी उनको कंट्रोल कर रहे थे, जो भी उनकी बातों पे उनको चला रहे थे, जो भी इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे, वो शख्स के साथ आपके पर्सन की टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पर। ओके, और आपके पर्सन चैरियट के साथ वापस आना चाह रहे हैं आपके रास्ते में, आपके तरफ। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है एंजल? देखिए मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। अगर आप दोनों का, आप दोनों मैरिड हो और एंडिंग्स आ चुके हैं, सेपरेशन आ चुके हैं, तो फिर से वो वापस आएंगे क्योंकि वो मिस कर रहे हैं और यहाँ पर चैरियट आया है। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है और वो शख्स उनको कंट्रोल करते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, रूड कम्युनिकेशन करते हैं, रूड बिहेवियर करते हैं, तो वो सिचुएशन एंड होगा और आपके तरफ आपके पर्सन वापस आएंगे। मैंने कार्ड सफल ही नहीं कर रही हूँ, आ जा रहे हैं कार्ड। देखिए टावर के साथ डेथ आया था, फिर से टावर आ गए है। ओ माय गॉड, यहाँ पर डेथ ने भी क्लैरिफाई किया है ना, टावर को डेथ ने क्लैरिफाई किया होगा। डेथ का तो आया था, टावर के बाद आया है, ये टावर कार्ड है इसमें आया है। यस, देखिए तो एक के बाद एक कार्ड्स आप देखिए, तो इस डेक से टावर के साथ डेथ, मतलब इस डेक से देखिए, वन सेकेंड आपको दिखा दूँ, टावर के साथ डेथ दोनों कार्ड्स आए थे। यहाँ पर डेथ आया है और इसको क्लैरिफिकेशन में टावर आया है, दिख रहा है आपको। तो कोई ना कोई मेजर एंडिंग्स होगा, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है आपके पर्सन के लाइफ में। आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिएगा आपके पर्सन को, क्योंकि जो भी होगा आपके पर्सन की माइंड के ऊपर से तो होगा, है ना। तो थर्ड पर्सन कोई अदर हो, लेकिन इफेक्ट जो पड़ेगा आपके पर्सन को भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी चॉइसेस है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था, जो भी ऑप्शन आपके पर्सन के लाइफ में है, वो चीज़ें जो है एंड होगा और आपके पर्सन केयर फ्री होकर बाहर आएंगे। ओके, तो मैसेजेस के साथ आया था, ठीक है, मैंने उसको रख दिया था, फिर से वापस आ गए हैं। तो देखिए दोनों डेक से कन्फर्मेशन है टावर विद द डेथ, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा होने वाला है, बड़ा टिगर आपके पर्सन को मिलेगा थर्ड पार्टी की तरफ से, टावर मोमेंट आएगा वहाँ पर। ओके, तो आपको पेशेंस रखना है और केयर फ्री रहना है, और आपके पर्सन भी फूलों की तरह रिक्स लेंगे, केयर फ्री होकर आपके तरफ आएंगे। तो दोनों डेक से जो है डेथ की एनर्जी, टावर की एनर्जी आ गए है, बहुत ही हैवी एनर्जी है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल ब्रेकडाउन में नहीं आना है, ठीक है। तो मैसेजेस भी आएंगे और लवर का कार्ड भी आया है, रियूनियन भी होगा और दोनों डेक से कन्फर्मेशन मिला है। ओके, दोनों डेक से कन्फर्मेशन मिला है आप लोगों को कि कॉल मैसेज आ सकता है, रियूनियन हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है और आपके पर्सन के लिए बहुत हैवी एनर्जी है। चलिए माँ काली और महादेव को मैं
सामने ही रखूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए न्यू मून की एनर्जी देख लेते हैं मूनोलॉजी से कि क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर नेक्स्ट 24 आवर्स में। न्यू मून की क्या इफेक्ट पड़ सकता है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, क्या लेके आ रहा है न्यू मून, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को न्यू मून क्या इफेक्ट ला रहा है उनके लव लाइफ में, क्या हो सकता है ओवरऑल उनके लाइफ में क्या हो सकता है, प्लीज एंजल गाइड मी। न्यू मून क्या लेके आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, न्यू मून क्या लेके आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज एंजल गाइड मी। न्यू मून क्या लेके आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, न्यू मून क्या लेके आ रहा है। Have faith in your dreams. तो जो भी आप ड्रीम देख रहे हो उसके ऊपर बिलीव रखो, फेथ रखो। So the world real you. तो खुद का जो भी टैलेंट है, गुण है, काम है, वो सबके सामने लेके आओ, दुनिया को दिखाओ आप कौन हो, क्या हो। Nothing is yet set in stone. कुछ भी स्टोन में लिखा नहीं है, सेट करके नहीं रखा है कि कभी चेंज नहीं हो सकता है। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, ओके मिरेकल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी स्टोन में सेट कर नहीं रखा गया है, तो आपका सिचुएशन बदल सकता है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है गाइस, प्रिपेयर रहिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उनको रिलीज करिए। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड, तो आपका जो भी कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई टिगर इल्यूजन हो सकता है न्यू मून के समय, ठीक है। तो आपको बैलेंस रहना है और डिवाइन के ऊपर छोड़ दे, जो भी उनको नॉलेज देना होगा, जितना भी स्ट्रेंथ देने होंगे, वो इस तरीके से ही सिखाते हैं हम लोगों को कि कितना स्ट्रांग बनना है और खुद के अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करना है, क्या करना है, वो ही रास्ता दिखाएंगे आपको। बस डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है, बिलीव रखना है, फेथ रखना है, उनको पूजना है, ओके। तो आपका जो कमिटमेंट है लव लाइफ के लिए या फिर अदर एरिया में, तो वो उसका टेस्ट लिया जाएगा आपका, ओके। कम्युनिकेशन इज की, तो कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है बहुत सारे लोगों का, ओके जैसे कि मैसेजेस के कार्ड आए हैं। पॉसिबिलिटी लाइज अहेड, तो सामने की रास्ते में आपको लाइट दिखेगा, होप्स दिखेगा, पॉसिबिलिटी आएगा आपके लाइफ में। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, जब आप इस नेगेटिविटी से बाहर आओगे, इतने सारे जो एडवाइस है आपके लिए, वो सारे चीज़ें आप राइटली ओवरकम कर पाओगे, पास कर पाओगे उन सारे चीज़ों में, तब जाके आपका जो है गोल्स है वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। होल्ड योर विजन, तो जो आप चाहते हो उसको पकड़ो, ठीक है, उसके ऊपर डेडिकेटेडली काम करो। कोई एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, इधर उधर नहीं भगाना है, ठीक है। जो भी एरिया ऑफ फील्ड में, जिस भी काम में आप काम करना चाहते हो, उसके ऊपर डटे रहो और काम करते हो रहो। गिव अप मत करना, लगातार करते रहना, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, जितना भी हार्डवर्क आपको करना पड़े, ऐसा ही एंजल आपको बोल रहे हैं। तो गाइज ये था आज के दिन में आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट अगर होता है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कितना रेजोनेट हुआ है। अगर रियूनियन होता है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ओके, ताकि पॉजिटिविटी मिले और पॉजिटिविटी बना रहे हैं। और जिन लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर कर देना, जो लोग न्यू व्यूअर्स हो, अगर अच्छा लग रहा है मेरे रीडिंग तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल में जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग ही ये काम कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।